दोस्तों आईपीएल 2024-27 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होना है। ये मैच 29 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शानदार फॉर्म में है। कोलकाता टीम को अपने पिछले मैच में पंजाब से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन टीम पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम 9 में से 4 जीत के साथ पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर मौजूद है। अब ऐसे में आज कोलकाता और दिल्ली के मुकाबले में ईडन गार्डन स्टेडियम किसका साथ देगी, साथ ही पिच के आंकड़े, टॉस अपडेट और रिपोर्ट क्या कहते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले कोलकाता बनाम दिल्ली के बीच होने वाला मुकाबला, कौन सी टीम जीतेगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही फैंटेसी टीम आईपीएल न्यूज और लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। 30,000 से लोग वहां पर फॉलो कर रहे हैं। बात करें कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की, तो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में इस सीजन लगातार हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल रहे हैं। इस मैदान पर 200 रन बन भी रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं। ऐसे में कोलकाता और दिल्ली के बीच भी एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में अब तक कुल 90 मैच खेले गए। इसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 तो दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 53 मुकाबले जीते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर इस मैदान पर 165 रनों का है। जो भी टीम टॉस जीतेगी वह पहले गेंदबाजी करने के लिए देख सकती है। ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच जरूर बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आती है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज भी बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करते हुए मैदान पर नजर आते हैं। इस स्टेडियम पर अब तक खेले गए मुकाबले में बल्लेबाजों ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया, लेकिन यदि कोई बल्लेबाज स्पिनर गेंदबाज को अटैक करता है तो वह उसके जाल में फंसता हुआ भी नजर आया है। साथ ही लाल मिट्टी की पिच होने के कारण खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है पिच में दरारें आती जाती हैं, जिससे गेंद नियमित रूप से घूमती हुई नजर आती है, जिससे बल्लेबाज गेंद को पड़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आईपीएल टूर्नामेंट में दिल्ली और कोलकाता एक दूसरे से 33 मैचों में भिड़ी हैं। इन 33 मैचों में दिल्ली ने 15 मैच जीते जबकि कोलकाता ने 17 मैचों में जीत हासिल की, जबकि एक मैच का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया था। कोलकाता में इन दिनों मौसम गर्म है, हालांकि पिछले कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही जारी है, लेकिन बारिश के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ बारिश की भी 10% उम्मीद है। कोलकाता का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के आसार है, वहीं न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने वाला है। तो दोस्तों, यह थी कोलकाता बनाम दिल्ली के बीच होने वाले मुकाबले से जुड़ी हुई सारी जानकारी। आशा करते हैं कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी होगी तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। साथ ही कमेंट में आप लोग ये बात जरूर बताएं कि आखिर आज के मुकाबले में कौन सी टीम जो है जीत दर्ज करने वाली है।